चुनावी रणनीतिकार यानी कि चुनावी मास्टर प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं अगले 3-4 महीनों में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करूंगा, जिसकी शुरुआत चंपारण से होगी। लेकिन चंपारण ही क्यों? क्योंकि चंपारण से महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था। तारीख थी 10 अप्रैल 1917। हुआ यूं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत भ्रमण पर निकले। उस वक्त राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बिहार के चंपारण आने का न्योता दिया। वहां के किसानों को जमींदारों और ब्रिटिश हुकूमत के दबाव में जमीन के एक हिस्से पर अन्न के बजाय नील की खेती करनी पड़ती थी। बहुत जुल्म था। गांधी जी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया तो पुलिस ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दे दिया। गांधी जी नहीं माने। जाहिर तौर पर उन्होंने किसानों को एकजुट किया और आखिरकार सरकार ने जांच कमेटी बनाई, कानून बनाकर सारी गलत प्रथाएं खत्म की और इतिहास बन गया। वैसे प्रशांत किशोर जो हैं चंपारण यात्रा या पदयात्रा पे जो जिस तरीके से वो निकल रहे हैं, इसका चुनावी फायदा कितना होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सेहत को उनके जरूर फायदा होगा।